हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं एक आलू की सब्ज़ी बना के आपको दिखाऊंगी, जिसको हम बंगाली में बोलते हैं निरामिष आलू दम। ये आप पूरी, रोटी, पराठा किसी के साथ भी एंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं, और इस रेसिपी से रिलेटेड कोई भी क्वेरी अगर आपको हो तो प्लीज़ मुझे नीचे कॉमेंट करके ज़रूर पूछना। आलू लिया है मैंने, जिसको मैंने पहले से उबाल के रखा है। एक चम्मच अदरक एंड ग्रीन चिली पेस्ट, थोड़ा सा हल्दी, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, जीरा पाउडर, चीनी एंड स्वाद अनुसार नमक, कुछ कटा हुआ धनिया पत्ता, 2 टेबलस्पून ऑफ दही, जीरा, छोटी इलायची एंड दालचीनी एंड चुटकी भर गरम मसाला पाउडर। पहले एक पैन को आप गैस पे चढ़ा दीजिए और उस पर 1 टेबलस्पून ऑफ कुकिंग ऑयल डाल दीजिए। तेल जब थोड़ा सा गर्म हो जाएगा तब आप उसमें जो खड़े मसाले हैं उनको डाल दीजिए। मैंने यहाँ पे जीरा, छोटी इलायची एंड दालचीनी को डाल दिया है। जीरा जब तड़कने लगे और इनमें से अच्छी सी एक खुशबू आने लगे तब आप उसमें जो सूखे मसाले हैं, हल्दी एंड कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, उनको डाल दीजिए। ये दो मसाले अभी डालने से जो सब्जी का कलर है वो बहुत अच्छा आता है, पर गैस को आपको एकदम लो मीडियम फ्लेम पे रखना है, नहीं तो मसाले जल जाएंगे। थोड़ी देर भुनने के बाद आप अदरक एंड ग्रीन चिली पेस्ट को डाल दीजिए और इसको मसाले के साथ अच्छे से भून लीजिए, जिससे इसका जो कच्चा स्मेल है वो चला जाएगा। ये भुन गया है, अभी मैं जीरा पाउडर डाल दूंगी। इसको मिलाने के बाद मैं इस पर थोड़ा सा पानी डाल दूंगी, जिससे जो सूखे मसाले हैं वो जलेंगे नहीं। अच्छे से पानी को मिला लीजिए, इसे 1 से 2 मिनट अच्छे से चला लीजिए। अभी मैं जो दही मैंने लिया था मैं उसको डाल दूंगी। दही को आपको अच्छे से फेंट लेना बहुत ज़रूरी है। इसको अच्छे से मसाले के साथ मिला लीजिए और आलू को आप डाल दीजिए। आप यहाँ पे कच्चे आलू भी ले सकते हैं, पर अगर आपने कच्चा आलू लिया है तो आप उसको थोड़ा सा फ्राई कर लेना। मैंने उबला हुआ आलू लिया है, जिससे टाइम भी बहुत बचता है और टेस्ट भी अच्छा ही आता है। अभी मैं थोड़ा सा नमक ऐड कर दूंगी और चीनी ऐड कर दूंगी, जिससे दही का जो खट्टापन है वो चला जाएगा। सबको अच्छे से मिला लीजिए और थोड़ा सा पानी ऐड कर दीजिए। आप अगर सूखा पसंद करते हो तो आपको पानी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आलू पहले से ही उबला हुआ है। मैंने थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर डाल दिया है और जो कटा हुआ धनिया पत्ता है मैं उनको भी डाल दूंगी। अभी मैं इसको ढक के 5 मिनट तक पकाऊंगी। लीजिए, मेरा सब्ज़ी एकदम रेडी हो गया है। अच्छे से मिला लीजिए सबको। इसको आप पूरी, पराठा, रोटी किसी के साथ भी एंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए इसे सर्व करते हैं।